अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शांतिपूर्वक या किस पद पर हैं और क्या आपके साथ मारपीट हुई, किसने करी? मैं राजेश यादव सहायक उपायुक्त के पद पर हूँ। मैं प्रांगण क्रमांक 2 का जांच चौकी प्रभारी हूँ। मेरे साथ में निशांत व्यास जो सेक्रेटरी का खास आदमी है, सेक्रेटरी की वो वसूली करता है, उसने मेरे साथ मुझे बोला कि आपने मेरी शिकायत करी एसडीएम साहब से। तो मैंने कहा एसडीएम साहब साहब मेरा आमना सामना करवा दो। तो उन्हें आमना सामना नहीं करवा और उसके रूम में लगे, बोले चलो आपसे कुछ बात करनी है। बात करी और इतने में बात तो करी नहीं और उन्हें लाठू से सब मारना चालू कर दिया। कौन कौन थे मारने वाले? मारने वाला अकेला ही था। बाद में फिर वो जो छुड़ाने के लिए जो वाहन चालक हरी सिंह मीणा करके वो आए, फिर उन लोगों ने हम दोनों को छुड़ा दिए। अच्छा, इसने आपकी आपने क्यों किस बात को लेकर मारा आपको, मारपीट हुई आपके साथ? कहना है कि आप सास की ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे आपको मारा और जिनने मारा वो वही कहाँ यहीं पर हैं क्या है? वो भी यहीं पर, वो भी ड्यूटी पर, वो भी ड्यूटी पर है। वो किस समाज से हैं, कौन है? वो व्यास समाज के हैं, पंडित निशांत व्यास लिखते हैं। और आप? मैं राजेश यादव। यादव जी, जी आपने इसकी शिकायत करी नहीं करी? मैंने थाने पे इसकी FIR दर्ज करवाई है। अच्छा, थाने के लिए भी सेक्रेटरी का मेरे पे प्रेशर कर रहा था कि आप समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं तो पहले तेरे को जान से मार दूंगे बोले ऐसा। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं इंदौर रहता हूँ सर। अच्छा, और सेक्रेटरी जी? सेक्रेटरी जी यहीं रहते हैं और वो जो जिसने मारा उसका खास गुर्रा है वो। तो गुर्रा किस प्रकार का ये बताओ? गुर्रा है ना, उसकी वसूली कर उगाई करके देता है वो। कब से उगाई, किस बात की उगाई करके देता है? ये जो बाहर जो गाड़ियाँ जो निकलती हैं उन सब चीज़ों की उगाई करके देता है वो। कुछ सबूत है आपके पास? सबूत क्या है, वाहन चेकिंग के नाम पे सब वसूली हो रही सर। कितनी वसूली होती होगी महीने की? लगभग महीने की मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए की वसूली होती। 2 लाख रुपए की वसूली पहले आपसे बोलना था करने का, तो आपने मना कर ऐसा? नहीं, मेरा 1.5 साल से हो गया था, मेरे 1.5 साल से फ्लाइंग से हट गया था। अच्छा, कितने लोग हैं फ्लाइंग में? फ्लाइंग में 4-5 लोग हैं। फ्लाइंग के नाम पर केवल फ्लाइंग बना रखी है, बाकी होता जाता कुछ नहीं, सब अवैध वसूली हो रही है वहाँ पर, कोई मंडी टेस्ट की वसूली नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ करते हैं वसूली है? ये अपने बाईपास रोड पर राजोदा जेल के पास में। कितने किस समय करते हैं ये? सवेरे 6 बजे से दिन में 12 बजे तक रहते हैं ये। प्रांगण में क्या घटना घटी थी आज पूरा विस्तार से बताएं, क्योंकि बता रहा मारापीटी हुई है एक शख्स के साथ, कौन है उसके साथ मारापीटी की है और करने वाला कौन और जो पिटा वो कौन है? हमें जो जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से 10:30-11 बजे के आसपास, तो उसमें निशांत व्यास सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेश यादव सहायक उप निरीक्षक के बीच में विवाद हुआ है। दोनों से मैंने मोबाइल में कांटेक्ट किया, दोनों लोग अपने स्तर से अपने अपने बचत के लिए FIR या कि इसमें मतलब लगे हुए थे सर। फिर आपने आकर दोनों से बात करी या नहीं करी? ने दोनों से बताया ना मोबाइल से बात करी। मोबाइल की बात भी जब आप यहाँ पे आए तो फिर दोनों मिले नहीं मिले आपसे? अभी नहीं मिले, अभी राजेश यादव जी आए थे अपने कुछ सहायक लेके जी, मतलब तरह तरह की बात करके गए। ये मतलब अपन को जबकि हमें मतलब अनसर्ट मतलब अपशब्द कह के और निकल गए कि मैं ये करूंगा, मैं देख देता हूँ, मैं सीएम के पास सिर्फ 5 दिन फोन आएगा ऐसा, जबकि हमारा इसमें कोई मैं पहचानता भी नहीं था उनको। सर उनका साफ तौर से कहना है जिन्होंने मारा है जी वो आपके लिए कुछ वसूली करते हैं और आपके खास माने गए हैं। नहीं, ये तो गलत है। आपके सामने बोले क्या होता है, क्या होता है सबकी ड्यूटी रोटेशन से लगती है, उनके जो खास गुर्रे हैं उनकी ड्यूटी चेंज नहीं होती है। गुर्रे किस हिसाब से वसूली करते हैं? किस वसूली करते हैं? अवैध वसूली जो होती है ना, हाँ, वो कहाँ जाती है? वो सर इनके पास आ जाती है। सर देखिए आपके सामने कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आगे तो अपराध निराधार है। अच्छा, कुछ नहीं सर, इतना बड़ा मंडी में हुआ तो आपको मालूम, तो आपने हमारे पास कोई देखिए सिस्टम में आवेदन आएंगे उसके हिसाब से संबंधितों से स्पष्टीकरण लिया जाता, किसी प्रकार का आवेदन नहीं है। फोन लगाया तो मतलब बोल रहे हैं कि मैं अपने स्तर से निपट लूंगा, तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? आप बॉस आपको कार्रवाई करना चाहिए। आवेदन आता है तब आते, कोई भी लेटर आता है, कई बार घटनाएं होती है, हमारे पास आवेदन आता है, संबंधितों से स्पष्टीकरण लेते हैं और कई बार यही मतलब जो भी प्रकरण है साल भी हो जाते हैं। लेकिन सर ये मामला बाहर तक चला गया और इसमें आप पे ब्लेम भी लग रहा है सर, कि आप भी कुछ कार्रवाई करेंगे जो आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है? हमारे पास नियमानुसार कागज आगे बिल्कुल करेंगे, SDM सर से हमने पूरी जानकारी दे चुके हैं इसमें। इस मंडी में कुछ विवाद हुआ था जिसके जो मंडी का विवाद थाने तक भी पहुंचा और थाने के बाद अब SDM के पास आया है, क्या है पूरा मामला सर विस्तार से बताएं प्लीज। कुछ कर्मचारियों के बीच में आपस में मारपीट का है, सहायक उप निरीक्षक श्री राजेश यादव जी द्वारा शिकायत की गई है। मेरे पास ये अभी एप्लीकेशन आई है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लूँगा और
जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ थाने से जो कार्रवाई होगी उसमें अलग है, अनुशासनात्मक कार्रवाई मैं अपने स्तर से बता। सर यादव जी को काफ़ी दूर से लगी भी है बता रहे हैं। हाँ हमें लगी है, मैं देख रहा हूँ और मैं इसकी पुष्टि कराने के बाद कार्रवाई करूँगा।